बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल मम्मीज़ लाउंज। अच्छा जी, आज हमारे किचन में बन रही है चिकन बिरयानी, मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडिंग बिरयानी, तो सबको ही पसंद है। सो आई थॉट कि आज इसको कैप्चर किया जाए। ये मैंने कुछ प्याज जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसमें अब मैं डालूँगी बाद में 3 टमाटर, कुछ थोड़ी सी कुटे मिर्च और दही, जो कि लाजमी इंग्रेडिएंट है, और सबसे बेस्ट सिंधी बिरयानी जो कि शान की। शान इज़ द बेस्ट मसाला जात कोई भी रेसिपी के लिए। इसके साथ साथ उसमें ऐड होगा थोड़ा सा ज़ीरा, और ये मैंने इमली भिगो के रखी हुई है पानी में। ये मैं पानी समेत ही इसमें ऐड कर दूंगी। आप थोड़ी देर पहले इसको भिगो के रख दीजिए, आधा पौना घंटा, जब तक मसाला तैयार होगा तो उसमें फिर हम ये इमली का पानी इमली समेत ऐड कर देंगे। ये देखें आप, हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसमें मैंने 3 टमाटर डाल दिए हैं, ठीक है। 3 से 4 टमाटर प्याज जो है वो मैंने ऐड किए हैं, ठीक है जी। अब ये मैंने इसमें गोश्त चिकन जो है मैंने धो के अच्छी तरह इसमें मैंने ऐड दिया है। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे, और थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे घी, जिससे जो इंग्रेडिएंट का बिरयानी है। इसमें अब हम डालेंगे और जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं। आप बताइए, जा रहे हैं बनती है, बट रेगुलर यूज़ में तो चिकन बिरयानी जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है जी। अब हम इसमें डालेंगे, जब हमारा चिकन जो है वो भुन जाएगा अच्छी तरह, से हम डालेंगे शान बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाले का 1 पैकेट। शान के जो मसाले हैं ना, उनकी खुशबू, उनका अरोमा बहुत ही अलग है। मैंने लहसुन के भी यूज़ किए हैं, बट शान के जो है ना वो बहुत बेस्ट है। हमने मसाला इसमें डाल दिया है। इसके अलावा कोई स्पाइस मैंने इसमें नहीं डाला, सिर्फ हल्दी डाली है, जीरा डाला है, और इसके अलावा अब हम इसमें डाल देंगे इमली जो मेरी गोकर थी, जिसका पानी अगर आप चाहें तो इमली भी साबुत इसमें डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ पानी डाल भी सकते हैं, कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, कुछ लोग इमली समेत पसंद करते हैं, फिर सब तो यूँ। थोड़ा सा पहले पानी डाला है, उसके बाद इसको लगी हम थोड़ा सा भूलेंगे, और अगर भूलेंगे तो बाकी पानी वाला भी डाल देंगे। आप देख लेंगे कि भूल गया है, और ये देखें जी, अभी हमारा भुन चुका है। जितना पानी हमें रिक्वायर्ड था उतना हमने रख लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे तह। पहली तह हम लगा देंगे, चावल हमने बॉईल कर लिए हैं 2.5 ग्लास चावल में मैंने इतना मसाला ये बनाया है। सबसे पहली तह हम लगाएंगे जो हमने ये मसाला बनाया है चिकन का, इसके ऊपर फिर हम डालेंगे चावल बॉयल्ड राइस की, जो 1 कनी उबाल के हमने रखे हुए थे। 1 कनी से मतलब है यानी थोड़े से कच्चे जो है ना, 1 कनी आप वो रख लें, उसको बॉयल कर लें। ये तकरीबन 2.5 ग्लास मैंने चावल बॉयल किए हैं, जिसमें 1/2 kg मैंने चिकन का सालन बनाया है, और शान सिंधी बिरयानी मसाले का पूरा 1 पैकेट डला है। सबसे नीचे जो हम तह लगाएंगे वो चिकन मसाले की, उसके ऊपर ये अब मैं बॉयल्ड राइस डाल रही हूँ। इसके ऊपर दोबारा से हम मसाले की तह लगाएंगे। इस तरह से आप 2 से 3 तह लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर पर्सन्स ऑफ ईटिंग, जितने लोगों को चाहिए, जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं। मैं इसमें 2 तह लगाऊंगी, 1 तह हम लगा चुके हैं, दूसरी ये लग रही है, और ये इसके ऊपर सबसे ऊपर दोबारा से बॉयल्ड राइस। ये 2 तहें हमने लगा दी हैं, और ये 5 to 6 पर्सन के लिए इंशाल्लाह इनफ होगी।
मसाले जी तय हमने लगा दिए। अब उसके ऊपर हल्का सा येलो कलर, बिरयानी कलर जो है ना, मैं पानी में ऐड नहीं करती, मैं हमेशा इसको पाउडर फॉर्म में डालती हूँ। और चार से पांच जो है जगह इसको आप स्पॉट कर लें, आखिरी तय के ऊपर जो है ना आप लगा दें। इसके ऊपर आप कड़ी पत्ता भी रख सकते हैं, मेरे घर वाले पसंद नहीं करते इसी वजह से मैंने ऐड नहीं किया। ये देखें जी, ये हमने ऊपर से ज़रदा रंग डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने पानी में ऐड नहीं किया, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में डाला है। इसके साथ हमने साइड जो प्लेटर्स है वो मैंने प्याज काट ली है, शामी के आलू के कटलेट्स रख लिए हैं और ये रायता रेडी है, क्योंकि बिरयानी के साथ ये चीज़ें लवाजमात तो मस्ट होते हैं ना। अब हमने इसको दम पे रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि एक कनी चावल थे तो उसका कच्चापन थोड़ा सा हमने मुकम्मल करना था और ये दम से उतार लिए हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे, मिक्स ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि थोड़े से बिरयानी में ना वाइट वाइट कलर ज़रा अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं इसका कलर, मैं इसको पूरा मिक्स नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैं इसको साइड से ना रहने दूंगी क्योंकि वो फिर इसका कलर ज़रा अच्छा आता है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये लीजिए जी, हमारी मज़ेदार चिकन सिंधी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको शामी कबाब के साथ, सालन के साथ, जिस तरह मर्ज़ी चाहे खाएं। सालन मैंने एक्स्ट्रा बनाया है क्योंकि बाज़ लोग पसंद करते हैं बिरयानी के बाद रोटी खाना भी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।